आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बैंक अकाउंट से SBI सिक्योरिटीज में फंड को ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर बाईं ओर आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा होल्ड रिलीज फंड्स, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम मैनेज फंड्स वाले पेज में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफर, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ट्रांसफर सेक्शन वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर एंटर अमाउंट टू ऐड, तो आपको जितनी भी यहाँ पे राशि जोड़नी है आप अपने अनुसार यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसमें यहाँ पे 5,000 रुपये जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 5,000 रुपये टाइप करेंगे और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा SBI ट्रांसफर। तो आपको जो जो है डेबिट अकाउंट है यहाँ पे वो लिखा है और नीचे आपको कौन सी सुविधा चुननी है, UPI की नेट बैंकिंग। यहाँ पे हम नेट बैंकिंग को चुनेंगे और फिर हम ट्रांसफ़र फंड के बटन में क्लिक करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र फंड के बटन में क्लिक करने के बाद हम सीधे SBI की इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पर सीधे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, हम यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे के बटन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पेमेंट सेक्शन वाले पेज पे आ चुके हैं। अब आपको अपनी जानकारी की एक बार जांच कर लेनी है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, अकाउंट टाइप दिखाई दे रहा है, ब्रांच नेम दिखाई दे रहा है, डेबिटेड अकाउंट दिखाई दे रहा है और हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा होगा, अमाउंट कितना डेबिट होना वो दिखाई दे रहा होगा और मर्चेंट का नाम दिखाई दे रहा होगा जो कि SBI सिक्योरिटीज़ है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मर्चेंट का IP एड्रेस, उसके नीचे आपको डेबिटेड अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा जो जिससे आपके पैसे कटने हैं और उसके नीचे आपको शब्दों में दिखाई दे रहा होगा 5,000 रुपीज़ ओनली। अब इसके बाद आपको करना है सीधे कन्फर्म, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कन्फर्म में क्लिक करेंगे उसके बाद हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा बैंक की तरफ से 8 अंकों का, वो हमें यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। OTP को अंकित करने से पहले आपको एक बार अपनी जानकारी फिर से जांच लेनी। ऊपर लिखा भी है वेरीफाई एंड कन्फर्म SBI सिक्योरिटीज लिमिटेड ट्रांजेक्शन डिटेल्स, तो हम यहाँ पे जानकारी को पहले एक बार जांच लेंगे पूरी और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और OTP जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है हम उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। तो चलिए हम अपनी पूरी जानकारी को जांच लेते हैं पूरी और नीचे हमारी पूरी जितनी भी जानकारी बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर OTP एंटर करेंगे और कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे हमारी जो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, डेबिटेड अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे अमाउंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वर्ड्स में अमाउंट दिखाई दे रहा है। स्टेटस है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। ब्रांच का यहाँ पे नेम दिखाई दे रहा है और जिस जहाँ अभी जो ट्रांसफर हुआ है जिस टाइम पे वो यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आप देख यहाँ पे देख चुके हैं जो पेमेंट है वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि पेज को बैक नहीं करना है जी, सीधे आपको फंड्स वाले सेक्शन में सीधे ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर आपने जो फंड यहाँ पर लोड किया है वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक खोल और ट्रांसफर में हमने जो फंड ऐड किया है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार जो आपने यहाँ पे फंड ट्रांसफर किया है आपको एक बार पुष्टि कर लेनी है कि जो ट्रांसफर हिस्ट्री में वो वाला जो आपने फंड यहाँ पे ट्रांसफर किया वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे नीचे होल्ड फंड्स के नीचे ट्रांसफर हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और आप सीधे ट्रांसफर हिस्ट्री वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ट्रांसफर हिस्ट्री वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो हमने फंड यहाँ पे ट्रांसफर किया था यहाँ पे ग्रीन में लिखा भी है फंड ट्रांसफर, यहाँ पे जो स्टेटस है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है और नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेफरेंस नंबर और यहाँ पे जिस समय पर ये ट्रांजेक्शन किया गया है और तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरह हमने यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।